नमस्कार, लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय जीवन रेखा अगर टूटे, जीवन रेखा अगर टूटती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में जीवन रेखा टूटी है। अरे फला के हाथ में जीवन रेखा टूटी है, उनके हाथ में जीवन रेखा टूटी है तो चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। केवल जीवन रेखा अगर टूटी है तो इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति को मरण तुल कष्ट मिले। कई चीज़ें होती हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता है कि एक रेखा टूट गई व्यक्ति ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। गलत, ये भ्रम है। केवल रेखा अगर टूट रही है उसके साथ में अन्य रेखा भी सपोर्ट कर रही हैं तो व्यक्ति जो है अंत समय आता है। जीवन रेखा अगर टूट रही है तो कहीं ना कहीं ये सुखों को दिखाती है, सुख। हालांकि आज तक आपने देखा होगा केवल दुखी दिखाती है, ये सुखों को दिखाती है। जीवन रेखा अगर टूट रही है तो वो धन भौतिक सुख का घोतक कहलाती है। अगर जीवन रेखा टूट रही, कैसे तरीका है देखने का, उसको देखने का तरीका है। ये जीवन रेखा है अगर टूट रही है तो धन इत्यादि चीजों में प्रबलतम योग बनाती है। अगर जीवन रेखा टूट रही है तो भयंकर रोग को भी दिखाती है। ये कैसे देखा जाएगा? अगर जीवन रेखा टूटे तो धन से संबंधित नुकसान को भी दिखाती है। देखिए, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि धन भौतिक सुख इत्यादि चीजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ ये भी मैं कह रहा हूं कि भयंकर रोगों को भी दिखा रही है, धन के नुकसान को भी दिखा रही है। बस देखने का तरीका अलग अलग होता है। एक एक करके जो है, एक एक बिंदु से मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जीवन रेखा सबसे पहले समझ लीजिए किसे जीवन रेखा कहा जाता है। ये जीवन रेखा है जो अंगूठे के नीचे पूर्ण रूप से गुलाई में चलती है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है शरीर में वायु तत्व की प्रधानता को दिखाती है। शरीर में दर्द, अगर जिन लोगों की जीवन रेखा टूटी होती है, शरीर में अकड़न रहेगी, दर्द रहेगा, ऊर्जा में कमी रहेगी। महिलाओं की अगर बात करें तो हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा पे भी दोष है। मस्तिष्क रेखा मतलब ये, मस्तिष्क रेखा पे भी दोष है, उसके साथ में जीवन रेखा टूटी है। ऐसे लोगों को वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। ऐसे लोगों का वेट बढ़ता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, केवल इसके नहीं, अगर मस्तिष्क रेखा में भी दोष है तब बढ़ेगा। सामान्यता अगर कहें, जीवन रेखा गोल होना अच्छा है, जितनी रेखा गोल होगी उतना ही अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों की जिंदगी अगर कहा जाए आसान होती है, चीजें आसानी से मिल जाती हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए वाहन का सुख भी आसानी से मिल जाता है, अगर ये रेखा गोल है तो। संतान के सुखों को भी दिखाती है, संतान कहीं ना कहीं काबिल भी होती है, संतान कहीं ना कहीं काबिल भी हो सकती है, लेकिन ये हिस्सा भी उसके साथ में अच्छा उठा है, ठीक ठाक सा उठा है। बहुत ज्यादा उठा होगा तो वो भी खराब कहलाएगा, ठीक ठाक सा उठा है। उसके साथ में जीवन रेखा अगर गोल है तो ये इन चीजों को दिखाती है। अब एक एक करके मैं आपको चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, जीवन रेखा अगर जो है टूट रही है और मस्तिष्क रेखा भी जो है, बहुत सारे लोगों का ऐसे समझ लीजिए, ऐसे भी होता है, कुछ लोगों की रेखा अगर कहा जाए ऐसे भी होती है कि जीवन रेखा काफी दूर से मस्तिष्क रेखा पे मिले, मतलब यहां से ज्यादातर होता है यही से मिलती है। अगर ये दूर से मिल रही है, इसका क्या मतलब है? जितना दूरी से मिलेगी उतना ही जीवन में संघर्ष, उस आयु तक जीवन में संघर्ष व्यक्ति करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं, शर्म करते हैं, मतलब वो वाली शर्म नहीं, किसी कुछ बोलना हुआ, चलना हुआ, जो जायज चीजें हैं, जो जायज बोलना हुआ उसमें भी शर्म करेंगे। ऐसे लोगों अगर कहा जाए सफलता थोड़ा सा लेट मिलती है, घर से दूर जाके काम करने की इच्छा ऐसे लोगों के अंदर प्रबलतम होती है। मैं तो यहां कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं खास, अगर मैं वहां होता तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था, मैं वहां होता बहुत अच्छा कर सकता था घर से दूर जाके काम करने की। जिस आयु में ये टूटती है, मतलब ये जैसे जिस आयु में टूट रही है,
उस आयु में व्यक्ति को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोध और जल्दबाजी हड़बड़ाहट पे हमेशा धैर्य और तसल्ली से ही काम करना चाहिए। क्रोध के कारण अपनी चीजों को ऐसे लोग नुकसान कर बैठते हैं। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं भेज पा रहा था, कारण था उसका। अब एक जैसे पहले जाता था वीडियो, उसी तरीके से अब वीडियो जाएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम मैं मेहनत कर रहा हूं तो इस मेहनत को और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। अब दूसरा बिंदु, जीवन रेखा अगर टूटे, जीवन रेखा अगर गोल है, ठीक है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि खूब धन कमाते हैं, अगर जीवन रेखा आपकी गोल है, मतलब पूर्ण रूप से गोलाई में है और ये अच्छी दूरी है, मतलब दूरी इस जगह से एक होता नहीं बहुत चिपटा होना, ऐसे करके चिपटा होना, ये खराब है। अगर ये दूर से आ रही है, रेखा टूट रही है, मान ली इस जगह पे टूट रही है, रेखा जहां पर टूटे वहां पर दो रेखाएं, एक रेखा अंदर सपोर्टिंग रेखा जिसे कहा जाएगा, एक रेखा बाहर सपोर्ट कर रही है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर एक रेखा भी सपोर्ट कर रही है तो भी मैं ये कहूंगा कि नुकसान नहीं होगा। अगर दो रेखा आ रही हैं तो ये अगर टूटती ना तो उससे ज्यादा फायदा देती, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा कहलाएगा दो रेखाओं का आना। हानि अगर कहा जाए इसमें कुछ नहीं हानि होगी, ऐसे व्यक्तियों को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए जीवन में 4 से 5 काम बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए हर जगह पे मिक्सअप हो जाते हैं, ये धन को लेके, परिवार को लेके, संतान को लेके कहीं ना कहीं सुखों को ये दिखाती है। हाँ एक है इसमें, एक दिक्कत है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, और खासकर उस दौरान पे जहां पर आपकी टूट रही है। अगर ये रेखा, देखिए लेडीज जो हैं, महिलाएं जो हैं, अपना उल्टा हाथ, कोई भी वीडियो में भेजता हूं उसको उल्टा हाथ देखा करें, पुरुष अपना सीधा हाथ देखा करें। अगर ये रेखा अगर कहा जाए महिलाओं को उल्टे हाथ में टूट रही है महिलाओं के, तो ऐसे में कहा जाएगा मासिक धर्म, मासिक धर्म से संबंधित समस्या को दिखाती है ऐसी महिलाओं का या लड़कियों का सर बहुत दर्द करता है। और खासकर ये समस्या, मतलब मासिक धर्म से संबंधित समस्या अगर कहा जाए या सर में दर्द से संबंधित समस्या, विवाह के उत्प्रांत जो है कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कहें उन महिलाओं को जिनकी रेखा टूटी है, यश की कमी को दिखाता है, थोड़ा सा यश ऐसी लोगों को कम मिल पाता है। ऐसी महिला अगर कहा जाए या लड़कियां अगर कहा जाए थोड़ा भोली स्वभाव की होती हैं, और जीवन में जो है धन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए शुरुआती जीवन थोड़ा सा संघर्षमय होता है। माता या पिता दो में से एक लोग को खून जनित बीमारी ज़्यादा ही होती है, मतलब स्वास्थ्य संबंधित समस्या माता या पिता दो में से एक लोग को होती ही होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा सुंदर है, सुंदर का मतलब टूटी फूटी ना हो, गोलाई में हो, ऐसी ना हो, ऊपर नीचे ना जा रही हो, ठीक है, तो ये कहा जाएगा इसका दोष ये कम करेगी, तो भी कहा जाएगा उतना घबराने की जरूरत नहीं है। नुकसान होगा, शारीरिक थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन उतना दिक्कतें नहीं होंगी। अगर ये उंगली गुरु की उंगली मोटी है और छोटी है, गुरु की उंगली मोटी है और छोटी है, ऐसे लोगों को सदैव अपना पैसा इत्यादि चीजें कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए। अगर शॉर्टकट मार भी रहे तो वो देख लें कि उसके कारण घर परिवार की इज्जत मान प्रतिष्ठा में कमी तो नहीं आएगी, ये अच्छा नहीं है। अगर उंगली छोटी है और उंगली मोटी है गुरु की, उसके साथ में ये स्थिति मैंने बताई, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा पुरुषों के हाथ में खासकर उनकी महिला का स्वास्थ्य समय के अनुसार जो है खराब होता रहेगा। एक ज्यादातर एक प्रश्न आता है, एक रेखा ज्यादातर आती है,
जीवन रेखा मेरी टूट गई है, उसके बाद ऊपर हो रही है, मतलब ये ऊपर नीचे हो रही है। एक होता जीवन रेखा का टूटना, मतलब ये हो गया, ये टूट गई। एक होता है एक के ऊपर एक चढ़ना, इसका क्या मतलब है? अगर आपकी रेखा, जीवन रेखा एक के ऊपर एक चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष और सफलता दोनों को दिखाती है। जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मार्केटिंग से संबंधित काम हो गया, या कह लीजिए कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो विवाह हो, सभी चीज़ों का सुखों को ये दिखाती है, सभी प्रकार के सुखों को। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर टूटे वहां पर बॉक्स ना बने। बॉक्स बनने का मतलब ये है, बॉक्स बनने का मतलब जहां पर टूट रही है वो रेखा मिलके जो है अगर बॉक्स बन रहा है तो ये खराब कहलाएगा। बाकी खराब बिल्कुल भी नहीं है, आपके काम चलते रहेंगे, आपको धन आता रहेगा, संतान विवाह इत्यादि चीजों का सुख मिलेगा। कोई कुछ कहे मत मानिए, जो मैं कह रहा हूं उसको हाथों पे लगा के देखिए, उसको हाथों पे लगा के देखिए, परिणाम आपको मिल जाएंगे। अगर जीवन रेखा जहां टूट रही है वहां पर तिल आ जाए, तिल, तो खराब कहलाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा, और अच्छा नहीं है तिल होना, और खासकर उसमें भी लाल तिल हो या भूरा तिल हो तो ज़्यादा खराब है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी जानकारी इससे संबंधित या अन्य विषय से संबंधित आने वाले समय में देता रहूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।